नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गार्डनिंग इंपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो पर दोस्तों, गुड़हल फ्लावर प्लांट को कटिंग से ग्रो करने के लिए आप 3-4 महीने पुरानी शाखा से ही कटिंग लें। गुड़हल की मोटी पतली कटिंग कैसी भी हो, सब ग्रो हो जाती हैं। सॉफ्टवुड, हार्डवुड, सेमी हार्डवुड, सभी तरह की गुड़हल की कटिंग जो है बड़ी आसानी से ग्रो हो जाती हैं। बस कटिंग बनाते वक्त आप जिस कटर का, कैंची का यूज कर रहे हैं वो तेज़ धार वाला होना चाहिए, ताकि जो है कटिंग का जो छिलका है वह ख़राब ना हो, कटे फटे नहीं। और कटिंग को आपने 45 डिग्री के एंगल से ही कट करना है। गुड़हल फ्लावर प्लांट की कटिंग्स को लगाने के लिए दोस्तों, मैं यहाँ पर सैंड और नॉर्मल गार्डन सोइल दोनों को बराबर मात्रा में ले रहा हूँ, और थोड़ी सी मात्रा में वुड ऐश लकड़ी की जली हुई राख ले रहा हूँ एज ए फंगीसाइड, ताकि कटिंग्स में जो फंगस वगैरह ना लगे। मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद, तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद अच्छे से पोट में दबाकर भर देना है, ताकि वाटरिंग करते वक्त जो है मिट्टी बैठे नहीं। और कटिंग हम इसके बाद लगा देंगे 1.5 से 2 इंच, 2.5 इंच से 2.5 से 3 इंच की गहराई में। हम 2.5 से 3 इंच की गहराई में भी लगा सकते हैं, 1.5 से 2 इंच की गहराई में भी लगा सकते हैं। दोस्तों, कटिंग्स को लगाने के बाद आपने कटिंग वाले पॉट को जो है शेड वाली जगह पर रखना है, या फिर आप अपने बाकी के प्लांट्स की छाया में रख सकते हैं, लेकिन धूप में नहीं रखना है तब तक जब तक कटिंग हमारी सक्सेस नहीं हो जाती है। और दोस्तों, कटिंग लगाने का जो सबसे अच्छा सीजन रहता है वो मानसून सीजन रहता है। तो कहीं कहीं पर तो अभी जो है मानसून सीजन आ भी चुका है, लेकिन कहीं कहीं पर हम जो है अभी नहीं आया है, तो कहीं पर देरी से आता है, कहीं पर 1.5-2 महीने पहले ही आ जाता है। तो अगर मानसून सीजन जो है शुरू हो चुका है, रेनी सीजन शुरू हो चुका है, तो आप जो है कटिंग्स को लगाइए। किसी भी फ्लावर प्लांट की कटिंग्स आप बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं, और सक्सेस होने के चांस जो है बहुत ज़्यादा रहते हैं मानसून सीजन में। लेकिन दोस्तों, 45 से 50 या फिर 35 से 50 डिग्री के बीच का तापमान है, तो आप कटिंग्स को अभी ना लगाएं। मानसून सीजन शुरू हो गया तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि ह्यूमिडिटी वाले मौसम में जो है कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती हैं। इसके बाद हम वाटरिंग कर देंगे, और वाटरिंग करने के बाद हमने इसे पूरी तरह से शेड वाली जगह पर रख देना है, या फिर प्लांट्स की छाया में रख देना है। अभी आप दोस्तों ये देख सकते हैं, हमने जो इस पॉट में 6 गुड़हल फ्लावर प्लांट की कटिंग लगाई थी, 6 की 6 कटिंग्स में जो है दोस्तों पत्ते निकल आए हैं। दोस्तों, मैं आपको रूट अपडेट भी इस वीडियो में दिखाऊंगा। और ये दोस्तों 30 दिन के बाद का अपडेट है। आज मैं इन कटिंग्स को जो हूँ निकालूंगा, और देखेंगे कि इनमें रूट्स बनी हैं या नहीं बनी हैं। तो दोस्तों, आप कटिंग लगाएं तो ज़रूरी नहीं है कि कटिंग जो है 30 दिन में ही सक्सेस हो, रूट बन जाएं। ये सब डिपेंड करता है दोस्तों मौसम पे। अगर मौसम में अच्छी खासी ह्यूमिडिटी है तो दोस्तों 20 दिन में भी हमारे गुड़हल फ्लावर प्लांट की कटिंग में रूट्स बन जाती हैं। लेकिन ह्यूमिडिटी के बिना, मौसम में गर्माहट है, तो फिर कटिंग का सक्सेस होना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने दोस्तों 6 की 6 कटिंग को पानी में अच्छे से धो लिया है, और अभी आप देख सकते हैं हमारी 6 की 6 कटिंग में जो है रूट्स बन चुकी हैं, जड़ें बन चुकी हैं, और हमारी 6 की 6 कटिंग दोस्तों पूरी तरह से सक्सेस हो गई हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।